हेलो गाइस, वेलकम। ये हमारी एक्सेल की लास्ट वीडियो है जो बिगिनर है उसके लिए। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसकी एक्सेल की एडवांस कोर्स शुरू करेंगे, जिसमें हम इन तमाम फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इन फार्मूला को मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हमारी जो व्यू है इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब हमारी जो शीट है इसका व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्यू को देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ कुछ भी। तो यह बाय डिफॉल्ट हमारे पास नॉर्मल व्यू होता है। अब इसके बाद हमारे पास पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ठीक है, आप इसमें ब्रेक पेज ब्रेक में प्रीव्यू देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें, ये पेज वन है, ये पेज टू है, ये पेज थ्री है, इसी तरह आगे भी पेज फोर। अगर नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो आप इसको अपने पेज का व्यू देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इसी तरह अगर आपका टेक्स्ट पेज वन पर इस यहाँ पर आ रहा है तो आप इसको पेज टू पर सेट कर पेज वन पर सेट करना चाहते हैं तो इसको इस तरफ ड्रैग करें तो अब ये वाला टेक्स्ट पेज वन पर आ जाएगा। ठीक है, पेज लेआउट व्यू है। ठीक है, आप ये देखें, पेज लेआउट व्यू है। इसमें आप हेडर ऐड करना चाहते हैं हेडर ऐड कर सकते हैं, इसी तरह फुटर ऐड कर सकते हैं। ये आपका पेज लेआउट व्यू है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास व्यू में कस्टम व्यू है। आप इसको कस्टम व्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ और यहाँ से इस डेटा को सिलेक्ट करके मैं कस्टम व्यू करता हूँ। ठीक है, और ऐड करता हूँ यहाँ से। ठीक है, नेम फार्मूला का नेम सेल कर सकते हैं। ठीक है, वरना इसको ओके कर दूँ तो नॉर्मल व्यू शो होगा। ठीक है, अब ये व्यू आप यहाँ से भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मल व्यू है, ये पेज लेआउट व्यू है, और ये जो है पेज ब्रेक व्यू है। ठीक है, यहाँ से भी आप व्यू को चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये जो आपको लाइनें नजर आती हैं बॉक्स की, ये आपको ग्रिड लाइन इसको कहते हैं। ये जो है आपके प्रिंट प्रीव्यू में, आप प्रिंट में ये लाइनें नहीं आती, ये देखें प्रिंट में शो नहीं हो रही। तो आप यहाँ से इस ग्रिड लाइन को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ पर चेक करें तो ये ग्रिड लाइन खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आपको ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही। इसी तरह फार्मूला बार है, ये इसको शो या हाइड करवाना चाहते हैं यहाँ से शो या हाइड कर सकते हैं। इसी तरह हेडिंग, ये जो सेल की हेडिंग है इनको भी शो या हाइड कर सकते हैं। ये वन टू ए बी सी, इनको शो या हाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी तरह आपने शीट को जूम करना चाहते हैं जूम कर सकते हैं, 75% 200% जूम करना चाहते हैं ये देखें जूम कर सकते हैं। इसी तरह आप कंट्रोल प्लस माउस को का जो रूलर है उसको घुमाएंगे तो ये जूम इन या जूम आउट होगा। इसी तरह ये 100% जूम है, जूम टू सिलेक्शन। ठीक है, अब आपने मैं 100% तक जूम करके अब यहाँ पर मैं सिलेक्शन करता हूँ और जूम टू सिलेक्शन करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा न्यू विंडो। ठीक है, आप न्यू विंडो ओपन करना चाहते हैं तो विंडो न्यू एक्सेल की शीट, ये देखें न्यू वर्कबुक ओपन होगी। ठीक है, इसको न्यू विंडो में देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, 100% जूम अरेंज। ठीक है, इनको अरेंज करना चाहते हैं दोनों शीट को, बुक वन और बुक टू को साइड बाय साइड इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज ऑल, इसके हॉरिजॉन्टल अरेंज करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंज कर सकते हैं, ये देखें हॉरिजॉन्टल अरेंज होगी। इसी तरह आप इसको वर्टिकल भी अरेंज करना चाहते हैं अरेंज कर सकते हैं, ये वर्टिकल। कैस्केड करना चाहते हैं तो कैस्केड भी कर सकते हैं, मैं अरेंज कर मैं दूं कैस्केड। ठीक है, अभी देखें एक के ऊपर दूसरी, ये वन और ये टू आ जाएगी। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी कैस्केड हो जाएगी, ये वन टू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रीज पेन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नेम है, क्लास है, स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास एक लंबी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें ऊपर पता नहीं चलता कि कौन सी हेडिंग चल रही है। अभी देखें हेडिंग गायब होगी, आप नीचे डेटा एंटर कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा ऊपर कौन सी हेडिंग है। तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको फ्रीज पेन करें तो आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे तो अभी देखें ये स्क्रॉल होता जाएगी लेकिन आपकी हेडिंग जो है वो सामने शो हो रही है। ठीक है, मैं कंट्रोल ए डिलीट, मैं न्यू शीट पर आ जाता हूँ। अब ये देखिए हमारी फर्स्ट रो है, रो वन, इस पे नेम, सब्जेक्ट, क्लास। ठीक है,
अब आप इसमें डेटा एंटर करते जा रहे हैं तो आपकी जो रो है वो हाइट ऊपर चली जाएगी, आपको शो नहीं हो रही। इसको फ्रीज करने के लिए फ्रीज पेन में जाएं, फ्रीज टॉप रो, ठीक है। अब ये टॉप रो जो है आपकी फ्रीज हो गई, रो वन टॉप हो गई। इसी तरह लेफ्ट साइड पर अगर कोई कॉलम है और आप आगे की तरफ डेटा एंटर कर रहे हैं तो वो हाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको फ्रीज करने के लिए फ्रीज फर्स्ट कॉलम करें तो आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करके शीट टू पर आ जाता हूं, मैं इसको अनफ्रीज कर लेता हूं, फिर मैं अनफ्रीज पेंस, और अब मैं एक कॉलम पे आ जाता हूं और यहां से इसको फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर लेता हूं। अब आप यहां से डेटा एंटर करते जाएं तो आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीज हो जाएगा, वो यहां पर शो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी पेन फ्रीज करना चाहते हैं, यहाँ रो 5 तक फ्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से अनफ्रीज करें और फ्रीज पेन करें। अभी देखिए रो 5 से नीचे ऊपर जो है वो फ्रीज हो गया, नीचे आपका जो सेल है वो मूव हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपने जो शीट है उसको स्प्लिट करना चाहते हैं दो, उसमें तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको मैं अनफ्रीज कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, अनफ्रीज। बल्कि मैं एक शीट 3 पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, यहाँ पर आके स्प्लिट, ठीक। अभी देखें हमारे पास ये 4 उसमें स्प्लिट हो गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। इस तरह आप इसमें काम करना चाहते हैं स्प्लिट व्यू में तो कर सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं हाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर व्यू में आए, हाइड अनहाइड करना चाहते हैं तो उनको मैंने अनहाइड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर दो विंडो हैं तो व्यू साइड बाय साइड पे, ये देखें साइड बाय साइड पे व्यू करना चाहते हैं इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये देखें नीचे वाली भी स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। इस पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लूं ताकि आपको नजर आए कि ये स्क्रॉल हो रही है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें आपको नीचे वाली स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। इसके यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए ऊपर वाली को स्क्रॉल नहीं हो रही जबकि नीचे वाली स्क्रॉल हो, तो इसको यहाँ पर अनटिक करें तो आप देखेंगे तो ये जो है ये स्क्रॉल नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर आके स्क्रॉल करेंगे तो तब ये स्क्रॉल होगा। रीसेट विंडो पोजिशन, ठीक है, रीसेट करना चाहते हैं तो विंडो की पोजिशन आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्विच विंडो है, स्विच करना चाहते हैं बुक टू पे आना चाहते हैं या बुक वन पे, ठीक है। ये देखें बुक टू बुक वन। तो ये व्यू के बारे में था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैक्रो के बारे में बताऊंगा और मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं और मैक्रो किस लिए यूज करते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको एक्सेल की तमाम वीडियोज मिलती रहे। थैंक्स।